दोस्तों आज आपको बताएंगे अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों आपने ऐसे फैक्ट्स अपनी लाइफ में पहली बार ही देखे होंगे क्योंकि ये यूट्यूब पर भी पहली बार ही बताए जा रहे हैं। तो प्लीज़ अगर वीडियो पर पहली बार आए हो और चैनल पर पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलो शुरू करते हैं। दोस्तों आप सभी को चिप्स जरूर पसंद होगी। चिप्स ऐसी चीज़ है जो हर किसी को पसंद होती है दोस्तों, लेकिन आपको पता है जो चिप्स का आविष्कार हुआ था वो एक गलती से हुआ था। जैसे दोस्तों डेनमार्क के अंदर एक छोटा सा होटल था जिसके अंदर एक आलू की बहुत ही अलग ही तरह प्रकार की एक स्पाइसी कलर की डिश बनाई जाती थी। उस डिश को खाने के लिए बहुत लोग दूर दूर से आते थे। लेकिन एक दिन ऐसा हुआ जब वो रेस्टोरेंट के अंदर जो शेफ उसको बनाया था उसके हाथ में किसी वजह से चोट लग गई, जिसकी वजह से वह आलू की चिप्स बहुत ही अच्छे से या जिस ढंग से वह डेली बनाता था वह नहीं बना पाया। उसके कस्टमर उसमें बहुत ज़्यादा चिल्लाने लग गए। कस्टमर के चिल्लाने की वजह से वो उसको बोले कि जब तुम्हें आता ही नहीं है तो होटल खोल के क्यों बैठा है। तो इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा गुस्सा हो गया और वो शेफ अंदर जाता है और आलू से बनी हुई डिश को इतनी जोर जोर से मारता है कि जिसकी वजह से आलू जो उबले हुए थे वो एकदम पूरे पतले हो गए और पूरे तरीके से सूख से गए थे, क्योंकि वो उसकी वजह से खाना नहीं खा पाए थे, इसकी वजह से आलू सूख गए थे। जब उसने ये देखा कि एकदम पतले हो गए तो इस वजह से उसने नमक मिर्ची और बाकी मसाले डाल के जाके सभी रेस्टोरेंट में जितने भी लोग कस्टमर बैठे थे उनको दिया। उस कस्टमर को देने के बाद सभी लोगों ने उसकी इतनी तारीफ की जितनी उसकी लाइफ में कभी किसी ने नहीं की थी। तो दोस्तों यही से हुआ था अपने चिप्स का आविष्कार। उसके बाद में तो बस चिप्स की इतनी फेमस हो गई कि हर देश में हर जगह पर मिलने लग गई। दोस्तों क्या आपको पता है अगर चाय को गलत तरीके से पीते हैं तो अपनी मौत भी हो सकती है। दोस्तों ये आपको बिल्कुल सही सुना, क्योंकि एक रिसर्च के अंदर पाया गया है कि चाय के अंदर बहुत ही ज़्यादा कैफीन होने की वजह से जब चाय को बहुत ज़्यादा ठंडी करके पीते हैं या फिर रेगुलरली कंटिन्यूसली बार बार में पीते हैं, अगर आप मान लो आपने एक घंटे में तीन चाय पी और मान लो तीन घंटे के अंदर आपने नौ चाय पी, तो आपको 100% कहके देते हैं आपके शुगर, आपकी बीपी, डायबिटीज़, एसिडिटी, ये चार प्रॉब्लम में से एक तो एक 100% आपकी होगी ही होगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो आप अपने फैमिली मेम्बर्स भी देख सकते हैं कि उनमें से किसी न किसी की एक प्रॉब्लम तो मिलेगी ही मिलेगी। दोस्तों अगर आप अधिकतर चाय मतलब खाली पेट पीते हैं तो इसकी वजह से आपके एसिडिटी की प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा हो जाती है, और अगर आपने चाय बहुत ही ज़्यादा आपकी बहुत ज़्यादा बीपी लो रह रही है और आप लगातार कंटिन्यूसली पीते रहते हैं तो इसकी वजह से आपके जो हाईली इंसुलिन का होना यानी बॉडी के अंदर एक इमरजेंसी लेवल पर इंसुलिन हाई हो जाती है, जिसकी वजह से आपकी बीपी की वजह से आपकी बहुत ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम भी आ सकती है, हो सकता है कि आपकी मौत भी हो जाए। तो दोस्तों इसलिए चाय को बहुत सोच समझ के पिया करें और बहुत ही लिमिटेड वे में पीजिए। एक नॉर्मल चीज़ है कि इंडिया के अंदर चाय बहुत फेमस है और इंडिया में चाय पीने वाले लोग भी हद से ज़्यादा है। हालांकि इंडिया में चाय सिर्फ 200 साल पहले ही आई है, लेकिन उसके बावजूद भी इंडिया के अंदर चाय हद से ज़्यादा पी जाती है, जितनी पूरी ऑल ओवर द वर्ल्ड में नहीं पी जाती। दोस्तों आप चाय का इस्तेमाल कीजिए लेकिन एक घंटे के अंदर एक या दो बार ही, क्योंकि अगर आप इसे ज़्यादा लेवल अगर क्रॉस करेंगे तो हो सकता है कि आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम करे। तो दोस्तों ये वीडियो इतनी ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें।